तो दोस्तों आज का ये दिन बहुत अच्छा है बंगाली इंडस्ट्री के लिए, बंगाली टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए अच्छा एक दिन है, क्योंकि दोस्तों आज का दिन में बहुत अच्छा अच्छा न्यूज निकल के आए हैं। और दोस्तों बंगाली इंडस्ट्री का दो दो बिग सुपरस्टार का मूवी का ट्रेलर आ चुका है, आज लॉन्च हुआ है, तो मैंने दोनों ही देखा है। तो इस वीडियो में टॉलीवुड इंडस्ट्री का सुपरस्टार जीत का अपकमिंग मूवी है जो पूजा में आने वाला है, अक्टूबर का 10 तारीख में आने वाला है, उस मूवी का नाम दोस्तों बाजी, उसका ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगला वीडियो में दोस्तों और एक सुपरस्टार है जिसका नाम है देव, उसका गोलंदाज मूवी का भी ट्रेलर आ चुका है, वो भी मैंने देखा है, तो अगला वीडियो में उसका भी रिव्यू करेंगे। तो चलिए आप लोगों को रिव्यू करते हैं, मतलब रिएक्शन देते हैं, ये ट्रेलर मैंने देखा है 4-5 बार, कैसा लगा है ये बाजी मूवी ट्रेलर, तो बताते हैं। इससे पहले अगर आप गोपाल के रिव्यू यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल करके रखना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं बंगाली हूं लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं हिंदी में, ठीक है। तो बंगाली सुपरस्टार है जीत, तो इस वीडियो भी हिंदी में ही हो रहा है। तो मैंने देखा है ये बंगाली मूवी का ट्रेलर, तो कैसा लगा मुझे, बहुत दिनों के बाद जीत का कोई भी मूवी आया है आ रहा है जो पूजा में रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि पूजा का टाइम पे बहुत सारे मूवी ऐसा आ रहा है। तो बाजी मूवी को डायरेक्ट किया दोस्तों अंशुमन प्रत्यूष, और इस मूवी में हीरोइन है जीत के साथ जो जिसका नाम है दोस्तों मिमी चक्रवर्ती, ठीक है। तो ये मूवी एक साउथ इंडियन मूवी का रीमेक है, जो मूवी का नाम है दोस्तों नन्ना कुप्रेमातु, जूनियर एनटीआर का मूवी है, राकेलप्रीत सिंह का मूवी है, तेलुगु मूवी, उसका रीमेक है। लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल मिल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो नन्ना कुप्रेमातु मूवी में बहुत बार देखा है, वो मूवी कितना बढ़िया था, बहुत ही अच्छा लगा था, जो स्टाइल था जूनियर एनटीआर का बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा ही किया था। लेकिन दोस्तों इसमें जो ट्रेलर में दिखाए हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जीत का फैन हूं, बचपन से ही मैं जीत का, जितना मूवी है आज तक, इस मूवी को छोड़ के जो मूवी आ रहा है इसको छोड़ के बाकी पूरा मूवी मैंने देखा है, ठीक है, सब मूवी मैंने देखा है। मैं पहला दिन पहला शो देखता था थिएटर में जाके, क्योंकि मेरा घर का बाजू में थिएटर था, रिलीजिंग डेट जिस दिन था उसी दिन रिलीज करता था, ठीक है, उसी दिन आता था थिएटर में, तो मैं देखता था। तो आप बात करते दोस्तों ये एक रिमेक मूवी है, तो इसमें फुल एंटरटेन है, सब कुछ है, लेकिन दोस्तों आप जमाना है 2021 का, तो आप आज से 10 साल पहले जैसा मूवी होता था वैसा मूवी बनाएगा तो चलेगा, थोड़ी लोग पसंद करेगा। मैं जीत का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं ये जो ट्रेलर मैंने देखा है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों ये ओनली एंटरटेन पर्पज से मूवी एक बार देखने वाला ठीक है, लेकिन अच्छा लगेगा किसी को बुरा भी लगेगा, क्योंकि ये जो कहानी है पूरा के पूरा ओल्ड कहानी, जीत का जो स्टाइल दिखाए हैं, डायलॉग डिलीवरी है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो जीत का मूवी होता है उसमें अच्छा अच्छा डायलॉग रहता है, जो डायलॉग सुनने के बाद हर दिन आता है मन में आता है, लेकिन इस मूवी में ऐसा कोई डायलॉग नहीं है, जो डायलॉग है वो डायलॉग दोस्तों बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो एक ट्रॉफी है, ठीक है, तो वो वहां पे पार्टिसिपेट करने से पहले ट्रॉफी उनके नाम हो जाता है, तो ऐसा डायलॉग नहीं चलता है, ठीक है। और भी अच्छा अच्छा डायलॉग है उसका मूवी में, दूसरा मूवी में है, बहुत अच्छा अच्छा डायलॉग होता है, बहुत हैंडसम है, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बहुत खर्चा करता है, तो ये भी बहुत खर्चा करके मूवी को बनाए हैं, विदेशों में जाके शूटिंग किए हैं। तो इस मूवी में पहला जोड़ी है दोस्तों जीत और मिमी चक्रवर्ती का, ये पहला मूवी है। तो मूवी ओवरऑल कैसा होगा मैं नहीं कह सकता है, क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रेलर मैंने देखा है उतना खास नहीं लगा है, और व्यूज भी बहुत कम आ रहा है। अब तक दोस्तों इस मूवी का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है 10 घंटा कम से कम हो चुका है, तो 10 घंटा में ओनली 1.2 लाख, बोलने भी शर्म आता है। जहां पे भोजपुरी मूवी का ट्रेलर आता है तो इतना टाइम पे 1 मिलियन क्रॉस कर जाता है, वहां पे ओनली 1 लाख क्रॉस किया है। तो गाना का बात की जाए तो जीत गांगुली का गाना है इसमें, जीत गांगुली म्यूजिक डायरेक्ट किए हैं, तो गाना एक तो जो सुनाई दे रहा है और डांस जो कर रहा है दोनों डिफरेंट मुझे ऐसा लगा। और एक गाना आया था बहुत दिन पहले जो आईना कांचे नाम का, गाना सुनने में अच्छा लगता है लेकिन देखने में उतना खास नहीं लगता, क्योंकि जीत का लुक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। वहां पे जूनियर एनटीआर का जो लुक था बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें जीत का लुक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ओल्ड ओल्ड लग रहा है, जो पुराने जमाने का जैसा मूवी वो बनाते थे वैसा ही दोस्तों लग रहा है। ओवरऑल दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक है, एवरेज लगा मुझे। अगर आपने देखे हो तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में,
बाय।